एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा, उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था। हालांकि रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम से 7 साल छोटे हैं। सेवंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट, संगीत और साउंड ट्रैक। फिल्म के साउंड ट्रैक में
एरोन जैकमैन द्वारा रचित, संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई विल वाना बी वर्ल्ड बाय यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। 9. सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। 10. रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिसे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11. नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हाद्य प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रैचल मैकएडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोज को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से दी नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट्स ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा, उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहां तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्टोरेंट में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकएडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए
स्क्रिप्टेड नहीं था। हालांकि रायन गोसलिंग और राचेल मैक एडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। 6. उम्र का अंतर। फिल्म में मू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम्स से 7 साल छोटे हैं। 7. नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। 8. संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई वाल वाना बी वर्ल्ड बा यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। 9. सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। 10. रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिसे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11. नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हार्दिक प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रैचेल मैक एडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। यह काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोज को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें। बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा। उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 7 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए
रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम्स से 7 साल छोटे हैं। सेवेंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई विल वाना बी वर्ल्ड बाय यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। नाइन्थ, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। टेंथ, रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिसे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11th, नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक पूर्व गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हाद्य प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञातपति फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोज को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो का फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट्स ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा
उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड वैकल्पिक अंत फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नूह के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए। रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम से 7 साल छोटे हैं। सेवेंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट्थ, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई विल वाना बी वर्ल्ड बाय यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। नाइन्थ, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। टेंथ, रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिससे नूह और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। इलेवेंथ, नूह का घर। फिल्म में नूह के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हाद्य प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोज को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है।
हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से दी नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट्स ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा। उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए। रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था। हालांकि रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम से 7 साल छोटे हैं। सेवंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई वाना बी वर्ल्ड बा यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। नाइन्थ, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। टेंथ, रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिससे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11th, नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हादे प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। यह काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स,
आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और 20 मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना, और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोस को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा, उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए, रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहां तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम से 7 साल छोटे हैं। सेवंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई वाना बी वर्ल्ड बाय यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। नाइन्थ, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। टेंथ, रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स के बीच
कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिससे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11th नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हाद्य प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रैचल मैक एडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोज को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा, उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोसलिंग और रैचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम से 7 साल छोटे हैं। 7th, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक
अनुशासकों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट संगीत और साउंड ट्रैक। फिल्म के साउंड ट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीन यू और हेलेन केन के आई वाल वाना बी वर्ल्ड बा यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। 9. सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। 10. रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिसे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11. नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हार्दिक प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रैचेल मैक एडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोस को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा। उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहां तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचेल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचेल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ
तात्कालिक दृश्य, प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ, चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था। हालांकि रायन गोसलिंग और राचेल मैक एडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। 6. उम्र का अंतर। फिल्म में न्यू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम्स से 7 साल छोटे हैं। 7. नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। 8. संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई विल वाना बी वर्ल्ड बाय यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। 9. सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। 10. रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिसे न्यू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11. न्यू का घर। फिल्म में न्यू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक पूर्व गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हाद्य प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रैचल मैक एडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। यह काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोज को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से दी नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट्स ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा, उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 7 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं,
इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहां तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम्स से 7 साल छोटे हैं। सेवेंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई विल वाना बी वर्ल्ड बाय यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। 9th, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। 10th, रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिससे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11th, नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिना में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हाद्य प्रदर्शन और इसके प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। यह काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोज को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है।
यहाँ नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट्स ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा। उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए। रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम्स से 7 साल छोटे हैं। सेवंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई विल वाना बी वर्ल्ड बाय यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। नाइन्थ, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। टेंथ, रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिससे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। इलेवंथ, नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक पूर्व गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हादे प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोस को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें,
जिस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा, उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नूह के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नूह और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम्स से 7 साल छोटे हैं। 7th, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। 8th, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई वाना बी वर्ल्ड बाय यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। 9th, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। 10th, रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिससे नूह और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11th, नूह का घर। फिल्म में नूह के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी
सांस्कृतिक प्रेम कहानी हार्दिक प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रैचल मैक एडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोस को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा, उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहां तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोसलिंग और रैचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रैचल मैकएडम्स से 7 साल छोटे हैं। सेवंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट्थ, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीन यू और हेलेन केन के आई वाल वाना बी वर्ल्ड बा यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। नाइन्थ, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक
का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। 10th, रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिसे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11th, नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हादे प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रैचल मैक एडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोस को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, जिस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो का फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा, उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहां तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचेल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचेल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच
उम्र के अंतर को दर्शाता है। रैन गोसलिंग रेचल मैकएडम से 7 साल छोटे हैं। सेवेंथ नाटकीय रिलीज द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था। हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट संगीत और साउंडट्रैक फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई विल वाना बी वर्ल्ड बाय यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। नाइन्थ सांस्कृतिक प्रभाव द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। टेंथ रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई जिसे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11th नू का घर फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी हाद्य प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रैचल मैकएडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोज को जरूर देखें। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों निश्चित रूप से दी नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट्स ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे जिनकी शादी को 7 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड वैकल्पिक अंत फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहां तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्टोरेंट में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स रेचल
मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रैन गोस्लिंग के साथ उनकी उल्लेखना केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोस्लिंग और राचेल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स, उम्र का अंतर। फिल्म में मू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोस्लिंग रेचल मैकएडम्स से 7 साल छोटे हैं। सेवेंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई वाल वाना बी वर्ल्ड बा यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। नाइन्थ, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। टेंथ, रायन गोस्लिंग और राचेल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोस्लिंग और राचेल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिसे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11th, नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हार्दिक प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोस्लिंग और रैचेल मैकएडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। यह काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोज को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें। बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट्स ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा। उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 7 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म
रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए। रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम्स से 7 साल छोटे हैं। सेवेंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई विल वाना बी वर्ल्ड बाय यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। नाइन्थ, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। टेंथ, रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिससे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11th, नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक पूर्व गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हाद्य प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। यह काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोज को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो का फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा
निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट्स ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा, उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नूह के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए। रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था। हालांकि रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम्स से 7 साल छोटे हैं। सेवेंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट्थ, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई वाल वाना बी वर्ल्ड बा यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। नाइन्थ, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। टेंथ, रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म के रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिससे नूह और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। इलेवेंथ, नूह का घर। फिल्म में नूह के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हाद्य प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रेचल मैकएडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स,
आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और 20 मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना, और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोस को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा, उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए, रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था, हालांकि रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम्स से 7 साल छोटे हैं। सेवेंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। एट, संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई वाना बी वर्ल्ड बा यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। नाइन्थ, सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। टेंथ, रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स के बीच
कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिससे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11th नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हादे प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रैचल मैक एडम्स की अस्थायी अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञात फिल्म की अस्थायी लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोस को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से द नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा, उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे, जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड, वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था, जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे। यहां तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचल मैकडम्स का ऑडिशन। रेचल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ, तत्कालिक दृश्य। प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था। हालांकि रायन गोसलिंग और रैचल मैकएडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। सिक्स्थ, उम्र का अंतर। फिल्म में नू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम से 7 साल छोटे हैं। सेवंथ, नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक
अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। 8 संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीइंग यू और हेलेन केन के आई वाना बी वर्ल्ड बा यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। 9 सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। 10 रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई जिसे नूह और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11 नूह का घर। फिल्म में नूह के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी हाद्य प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रैचेल मैकएडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। ये काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोज को जरूर देखें। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी नोटबुक मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं तो आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों निश्चित रूप से दी नोटबुक 2004 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो कि निक कैसविट्स द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बहुत पसंद किया गया है और इसके प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ द नोटबुक के बारे में कुछ कम अज्ञात या अज्ञात तथ्य हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि वास्तविक जीवन की प्रेरणा। उपन्यास के लेखक निकोलस स्पार्क्स अपनी पत्नी कैंथी के दादा दादी से प्रेरित थे जिनकी शादी को 60 साल से अधिक हो गए थे। उनकी अस्थाई प्रेम कहानी ने नूह और एली के पात्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। सेकंड वैकल्पिक अंत। फिल्म रूपांतरण का मूल रूप से एक वैकल्पिक अंत था जहां वृद्ध नूह और एली एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और फिर शांति से मरते हुए दिखाई देते हैं। इस अंत को डीवीडी रिलीज में एक बोनस फीचर के रूप में शामिल किया गया था। और थर्ड फैक्ट्स, रायन गोसलिंग का संपर्ण नू के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रायन गोसलिंग फिल्मिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में रहे, यहां तक कि उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया और चरित्र में खुद को डुबाने के लिए फर्नीचर बनाया। फोर्थ फैक्ट्स, रेचेल मैकएडम्स का ऑडिशन। रेचेल मैकएडम्स ने एली की भूमिका के लिए कई बार ऑडिशन दिया और अंततः स्क्रीन टेस्ट के दौरान रायन गोसलिंग के साथ उनकी उल्लेखनीय केमिस्ट्री के लिए उन्हें चुना गया। फिफ्थ
तत्कालिक दृश्य प्रतिष्ठित बारिश से लथपथ चुंबन दृश्य मूल रूप से बारिश को शामिल करने के लिए स्क्रिप्टेड नहीं था। हालांकि रायन गोसलिंग और राचेल मैक एडम्स ने इसे जोड़ने का सुझाव दिया और यह फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। 6. उम्र का अंतर। फिल्म में मू और एली के पात्रों के बीच उम्र का अंतर है, जो उन्हें चित्रित करने वाले अभिनेताओं के बीच उम्र के अंतर को दर्शाता है। रायन गोसलिंग रेचल मैकएडम से 7 साल छोटे हैं। 7. नाटकीय रिलीज। द नोटबुक को शुरुआत में सीमित संख्या में थिएटरों में रिलीज किया गया था, हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और मौखिक अनुशासनों के कारण धीरे धीरे इसका विस्तार अधिक स्क्रीन तक हो गया। 8. संगीत और साउंडट्रैक। फिल्म के साउंडट्रैक में एरोन जैकमैन द्वारा रचित संगीत और बैली हॉलिडे के आई विल बी सीन यू और हेलेन केन के आई वाल वाना बी वर्ल्ड बा यू जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं। संगीत ने फिल्म पर भावनात्मक प्रभाव डाला। 9. सांस्कृतिक प्रभाव। द नोटबुक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसने अस्थाई प्रेम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और कई पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा रोमांटिक फिल्म बन गई। 10. रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स का रिश्ता। रायन गोसलिंग और राचेल मैकएडम्स के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन के रोमांटिक रिश्ते में विकसित हुई, जिसे नू और एली का उनका चित्रण और भी यादगार हो गया। 11. नू का घर। फिल्म में नू के घर के रूप में इस्तेमाल किया गया घर दक्षिण कैरोलिन में स्थित बुन हॉल प्लाटेस्टन नामक एक वास्तविक प्रूफ गृह युद्ध हवेली है। फिल्म की रिलीज के बाद यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। द नोटबुक को इसकी सांस्कृतिक प्रेम कहानी, हादे प्रदर्शन और इसकी प्रमुख अभिनेताओं रायन गोसलिंग और रैचल मैक एडम्स की अस्थाई अपील के लिए सराहा जाता है। यह काम ज्ञात फिल्म की अस्थाई लोकप्रियता की सराहना में गहराई जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे हर एक वीडियोस को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, इस मीडियम से आप चाहे इस वीडियो को शेयर करें। बस इस वीडियो को फैला दें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल, अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसके साथ चाहे आप, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है।